नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल घुमक्कड़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए जानते हैं भारत में घूमने के लिए सबसे सस्ती जगह कौन सी है। दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहां घूमने के लिए बहुत सारे सस्ते स्थान हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घूमने के लिए सस्ती जगहों पर जाना चाहते हैं। कॉलेज के छात्र हो या मध्यम वर्ग के लोग हमेशा एक कम बजट में यात्रा करना चाहते हैं। भारत में कई परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास घूमने के लिए ज्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए वो हमेशा सस्ती या कम बजट वाली जगहों पर घूमना पसंद करते हैं। आज इस आर्टिकल में हम आपको भारत की 20 सबसे सस्ती और आकर्षक जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहाँ आप कम बजट में भी एक अच्छी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं भारत की सबसे सस्ती जगह जहां आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है भारत घूमने की सबसे सस्ती जगह। भारत दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत देश है जो अपने सुंदर वातावरण, स्वादिष्ट भोजन और साहसिक गतिविधियों से हर साल दुनिया भर के लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दोस्तों हम इस वीडियो के जरिए आपको सबसे खास जगहों की लिस्ट देने जा रहे हैं जहां आप एक शानदार बजट यात्रा की योजना बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्थान पे है गोवा। जो भी लोग भारत की सबसे सस्ती जगहों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए बता दे कि भारत में सभी का पसंदीदा पर्यटन स्थल गोवा है, जो अपने समुद्र तटों, पुर्तगाली वास्तुकला, किलो, स्थानीय बाजारों और ताड़ की पेड़ के चलते एक बहुत ही आकर्षक जगह है। अगर आप भारत में घूमने के लिए कोई सस्ती जगह तलाश कर रहे हैं तो आपको गोवा जरूर जाना चाहिए। गोवा जाने के बाद आप वहां घूमने के लिए एक मोटरसाइकिल किराए पर ले सकते हैं, और अगर आप यहां अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहते हैं तो यहां पर बहुत सारे पब भी मौजूद हैं। दूसरे स्थान पर है पौंडीचेरी। अगर आप भारत में घूमने की और कोई अलग जगह जाने के बारे में सोच रहे हैं तो पौंडीचेरी से अच्छी जगह आपके लिए कोई और नहीं हो सकती। यहाँ पर आप एक फ्रांसीसी प्राप्त कर सकते हैं। पौंडीचेरी दक्षिण भारत में घूमने के लिए सबसे आकर्षक और मंत्रमुग्ध कर देने वाले पर्यटन स्थल में से एक है। तमिलनाडु राज्य में स्थित पौंडीचेरी भारत के दक्षिण पूर्वी स्थित एक छोटा सा शहर है जो यात्रा के लिए बेहद सस्ता और अच्छा है। पौंडीचेरी आने के बाद आप दिन के समय यहाँ सड़कों की सैर कर सकते हैं और शाम को समुद्र तट स्थित कई कैफे में अपनी यात्रा का मजा ले सकते हैं। तीसरे स्थान पर है गोकर्णा। अगर आप भारत में कम बजट में घूमी जाने वाली जगहों को तलाश कर रहे हैं और शांति से अपनी यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो गोकर्ण से अच्छी जगह आपके लिए और कोई हो भी नहीं सकती है। बता दें कि गोकर्ण कर्नाटक में एक छोटा सा शहर है जो अपने समुद्र तट और मंदिर की वजह से एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। हर साल भारी संख्या में पर्यटकों की भीड़ पवित्रता और एक और मोक्ष की तलाश में गोकर्ण जाती है। प्राचीन समुद्र तटों और लुभावनी परिदृश्यों का आनंद लेने के साथ आप गोकर्ण में समुद्र तटों के आस पास जाने के लिए स्थानीय मछुआरे से नावों को किराए पर ले सकते हैं। भारत में घूमने की टॉप जगहों में गोकर्ण का नाम भी शामिल है। चौथे स्थान पे है ऋषिकेश। अगर आप अपनी यात्रा में रोमांचकारी सफेद पानी और राफ्टिंग, शानदार समुद्र तट शिविर और ट्रैकिंग और ट्रेकिंग का मजा लेना चाहते हैं तो भारत में घूमने की सस्ती जगह ऋषिकेश से अच्छी और कोई नहीं हो सकती। हिमालय की तलहटी में स्थित ऋषिकेश अपने प्राचीन मंदिरों, लोकप्रिय कैफे,
योग आश्रम और साहसिक खेलों की वजह से भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। भारत में एक बजट यात्रा के लिए ऋषिकेश सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पर आप फूलों की लुभावनी घाटी के सुहावने दृश्यों को भी देख सकते हैं और सफेद पानी, राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स, माउंटेन बाइकिंग जैसे कई साहसिक खेलों का मजा भी ले सकते हैं। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यह एक पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी और शराब मुक्त स्थल है। पांचवा है दार्जिलिंग। जब भारत में घूमने की सबसे अच्छी और सस्ती जगहों की बात हो तो दार्जिलिंग पर्यटन स्थल कैसे पीछे रह सकता है। हिमालय की रानी के नाम से प्रसिद्ध दार्जिलिंग भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। घड़ी पहाड़ी रिज पर फैले हुए हरे भरे चाय के बगानों से घिरा हुआ दार्जिलिंग समुद्र तल से 2050 मीटर की ऊंचाई स्थित है। इस शहर की जलवायु साल भर शांत रहती है जो इसको एक खास पर्यटक स्थल बनाती है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी यह वीडियो, सजेशन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इसकी कुछ कोई जानकारी चाहिए या आप इसके ऊपर कोई वीडियो बनाना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कमेंट के जरिए आपकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।